ट्रालियों पर किसानों ने चंडीगढ़ वाल पाए चाले। चंडीगढ़ में तीन दिन तक धरना लगाएंगे किसान। चंडीगढ़ मोहाली से पंचकूला पुलिस अलर्ट से। पंजाब ते हरियाणा के किसानों ने चंडीगढ़ वाल चाले पा दिते ने। ट्रैक्टर ट्रालियां लेके किसान पंजाब ते हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ वाल बढ़ रहे हैं। किसान अज तो चंडीगढ़ में तीन दिन तक धरना लगाएंगे। यह प्रदर्शन 28 नवंबर तक जारी रहेगा। दस दईए कि किसान केंद्र सरकार के दावे तो मुकरन का दोष लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दे नाल ही चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों सरहद से ही रोकने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने मोहाली से पंचकूला तो आने वाले रास्तों से भारी पुलिस फोर्स तैनात की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी किसान जथेबंदी शहर में बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उंज किसानों ने भी चंडीगढ़ घेरन का ही ऐलान किया है। उधर पंचकूला पुलिस कमिश्नर वालों किसानों के अंदोलन लैके चेतावनी जारी की गई है। इस विच उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मों का हवाला दिंदया कहा है कि बिना इजाजत तो प्रदर्शनकारी पंचकूला के अंदर या बाहर वाहनों की आवाजाई में विघन नहीं पा सकते ते चंडीगढ़ वाल मार्च करने लिए वक्री इजाजत लेनी पड़ेगी। हासिल जानकारी मुताबक मोहाली तो आने वाले किसानों चंडीगढ़ के सरहदी पिंड से रोकया जाएगा। पुलिस वालों इतने बैरीकेटिंग की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने इसलिए मोहाली पुलिस नाल भी कई दौर की गलबात की है। इस सरहद तो आम लोगों लिए रास्ता भी मोड़ दिता गया है। पुलिस सूत्रों तो मिली जानकारी अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने किसानों रोकने लिए तीन पद्धरी सुरक्षा व्यवस्था की है। इस विच चंडीगढ़ पुलिस के जवान पहली परत में तैनात ने। चंडीगढ़ पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दूजी परत में तैनात ने, जबकि उन्होंने नाल वजरा वाहन जल तोपां भी तैनात ने। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों तीजी परत में तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट चढ़ती कला टाइम टीवी।